हेलो एवरीवन, मैं हूं रिकी आर के पिट से और मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों की आज, जैसे कि बहुत कमेंट करते हैं या फिर कॉल करते हैं मेरे को कि मुझे कैसे खिलाना अपनी पप्पी को, छोटे पप्पी को ज्यादातर, जैसे अभी हमारे से लेके गए थे सिमडे का, तो भी लगभग 25 पास में ही लेके गए, तो इमरजेंसी था इसलिए वो आए थे तो लेके गए थे। तो ऐसे पप्पी को कैसे हैंडल करना है या फिर क्या खिलाना है, तो उस चीज के बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो ये छोटा, आज ये 29 डेज का पप्पी है, ये 29 डेज का पप्पी आज, तो इसकी आज फूड और जो भी है तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे क्या है और कैसे देना है इसको। तो आप ये पप्पी को देख सकते हैं, तो चलिए आज हम लोग जो भी है तो फूड बनाएंगे और इसको, इसका जो भी फूड है खिलाएंगे इसको और देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप बनाते हैं लोग। देखिए हम लोग रॉयल कैनन को इसे पाउडर बना के अब रखे हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल कैनन कैसे पाउडर है, तो उसको उतने छोटा पप्पी है जो, तो उसको लगभग हल्का सा डाल के एक चम्मच जैसा ऐसा स्पून है तो लगभग थोड़ा सा डाल के इसमें, तो थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ये क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर वो ये दूध है, दूध को थोड़ा सा एक चम्मच दूध डालिएगा, एक से डेढ़ चम्मच डाल दीजिएगा दूध, और फिर पानी दे दीजिए, पानी में थोड़ा सा ज्यादा ही पानी, तो दो से दो चम्मच दूध डाले हैं तो लगभग हम तीन चम्मच पानी डालेंगे। तो फिर हाथ से इसको मैश करना, इसे करके मिला दीजिएगा पूरा, अब उसको देख सकते हैं कैसा इसको हम मिला रहे हैं आराम से। तो ऐसे करके मिलाने से इसका डार्क फूड बन, यानी कि इसका फूड अच्छा बन जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं ये कितना डार्क, जो बच्चे लोग वहाँ सैरेलेक खिलाते हैं ना, जस्ट उससे थोड़ा सा वो नीचे रहना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए तो ये पूरे लिक्विड फॉर्म में ऐसे करके है, तो आप देख सकते हैं इसका, ये तो सारा मैं मिला दिया हूँ ऐसे करके, तो इतना फूड ये खा लेगा अच्छा से, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ है, ये मैक्सिम मदर कप है, इसको हम लोग बनाए हैं अभी, तो अभी हम दिखाते हैं कि पप्पी कैसे खाएगा। फिर ये सूखेगा, फिर डालेंगे, फिर सूखेगा तो फिर दूध और मिला के फिर डालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे करके पप्पी को दे देंगे, ठीक है। एक पानी है ना, जैसे ये अच्छे से खा रहा अभी, और पैर इधर ऐसे बोरा में खिलाइएगा, इधर पीछे ऐसे स्लिप करेगा नहीं, तो जैसे इस पप्पी का स्लिप कर रहा है ना, तो बोरा में आप खिलाइएगा। तो अभी जैसे खा रही है, तो अभी जैसे कि ये सूखता है जैसे, तो उसे फिर से थोड़ा सा हल्का सा दूध पानी मिला के ऐसे करके मिला दीजिएगा फिर से, जिससे कि वो फिर से अच्छे से खा ले। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से खा रहा है। तो अगर ऐसे छोटा पप्पी कभी भी आप लोग अगर कहीं से लेते हैं तो फिर ऐसा करके आप उसको खिला सकते हैं, ऐसा ही बर्तन दे दीजिएगा जो इससे चपटा रहता है, आराम से उसको खाने बने। तो ये देखिए एकदम अच्छे से खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी ऐसे छोटा पप्पी लेते या बड़ा भी, तो उसको कर सकते हैं आप, खाएगा फिर। देखिए लगभग ये खा ही लिया, ये दो, हम लोग इसको दो चम्मच रॉयल कैनन दिए थे।